इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आई की तीन प्रॉपर्टीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी x इज इक्वल टू साइन वाई होगा जिसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस पाई वाई टू अब यहां से

टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इन एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेकर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो सो प्लीज पॉज वीडियो हेयर एंड टेक टू मिनट्स टू फाइंड आई होप आप सभी ने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली होगी तो चलिए अब इनके डिस्कस करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इन एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल होगी जहां x कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसी तरह कोसेक इनवर्स x प्लस सेक x की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल होगी जहां मोड x की वैल्यू वन इक्वल या बड़ी होनी चाहिए तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रॉपर्टी नंबर फोर में यह सीखा कि साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स में क्या रिलेशन होता है अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है प्रॉपर्टी नंबर फाइव लेट ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स यानी टेन ए इज इक्वल टू एक्स एंड लेट बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन बी इज इक्वल टू वाई हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इ टेन बी टेन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई जहां हमने टेन ए की जगह एक्स पुट किया है एंड टेन बी की जगह वाई पुट किया है तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई अब ए एंड बी की वैल्यू पुट करने पर हमें यह रिलेशन मिलता है तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मिल गया है लेकिन दो अलग अलग फॉर्मूले मिले हैं और दोनों के लिए ही अलग अलग कंडीशन है पहला फार्मूला है यदि x इंटू वाई लेस देन वन हो एंड दूसरा फॉर्मूला है यदि x इंटू वाई ग्रेटर देन वन हो जहां x एंड y दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं अब एक और रिलेशन इस प्रकार है इस प्रकार आपने देखा कि हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा है तो अब हम आगे इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी हमने यह रिजल्ट किया है। एंड वी नो दैट कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो से पाई वाई टू के बीच में होती है नाउ फॉर वाई इज ग्रेटर जीरो ग्रेटर जीरो यानी

स वी कैन सी दैट एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई विल बी लेस देन जीरोन वन माइनस एक्स वाई लाइज बिटवीन जीरो टू पाई अब इन दोनों रिजल्ट के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि X y X y 1 XY, where X y यहां से देखा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो सेकंड फॉर्मूला था वहां उसमें हम पाई एड क्यों करते हैं आइए अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहां हमें एक रिलेशन गिवन है जिसे हमें प्रूफ करना है तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स एक्स को हम सबसे पहले ए के इक्वल करते हैं जिससे हम साइन ए को लिख सकते हैं एक्स के इक्वल इसकी हेल्प से कॉस ए की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल मिलती है साइन इनवर्स वाई को बी के इक्वल अज्यूम करने पर साइन बी इज इक्वल टू वाई मिलता है जिससे कॉस बी की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर मिल जाती है हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं वेयर साइन ए की वैल्यू एक्स कॉस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर एंड साइन बी की वैल्यू वाई पुट की गई है इस प्रकार ए प्लस बी की वैल्यू हमें यह मिलती है अब ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई पुट करने पर हमें यह रिलेशन मिलता है एंड हमें यही प्रूफ करना था अब हम लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लेट टेन इन वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई तो इससे हम लिख सकते हैं टू टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इसमें टेन वाई की जगह एक्स पुट करने पर साइन टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है यानी टू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाता है अब y की जगह टेन इन x पुट करने पर टू टेन इन x इज इक्वल टू साइन इन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है वेयर मोड x इज लेस देन और इक्वल टू वन सिमिलरली कॉस्ट टू वाई इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई को एक्स के फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं आगे इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें यह मिलता है दैट मीन्स टू टेन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इसी प्रकार टेन टू वाईज इक्वल टू टू टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर वाई में टेन वाई को एक्स से रिप्लेस करने पर हमें यह मिलता है जिसे आगे सिंप्लीफाई करने पर टू वाई इक्वल टू टेन इन अपन जिसमें जगह टेन इनवर्स एक्स पोर्ट करने पर टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है जहां मोड एक्स इज लेस और इक्वल टू वन इस प्रकार हमने टू टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स के फॉर्म में इस प्रकार एक्सप्रेस कर लिया है तो इस प्रकार अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है तो बच्चों अभी तक आपने इस टॉपिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? जिनको कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको डायरेक्ट याद रखना है अब आगे हम वीडियोज में इन सभी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे